हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ओपन कास्ट का एक और सीरीज में आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने दो एमसीक्यू सीरीज बनाया ओपन कास्ट पे, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा या फिर आप सर्च करके मैनुअली भी देख सकते हैं, कल का वीडियो होगा। अभी मैं डेली बना रहा हूँ वीडियो एकेडमिक से रिलेटेड। तो जो WCL के वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वे रेडी डेली बेसिस पे वीडियोज आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था कि माइन एरिया के अंदर डंपर की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो बहुत से लोगों ने 10 बताया था, बहुत से ने 15, ने बहुत से ने 25 बताया था, और बहुत से लोगों ने 30 बताया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं, माइन एरिया के अंदर जब डंपर चलता है तो डंपर में एक सेफ्टी डिवाइस होता है, उस सेफ्टी डिवाइस का नाम होता है स्पीड लिमिटिंग डिवाइस। वो स्पीड लिमिटिंग डिवाइस उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार में स्पीड को लिमिट करके रखता है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो उसको इंडिकेट कर देता है, बता देता है। तो डंपर का जो मैक्सिमम स्पीड होता है माइन एरिया में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। 25 किलोमीटर अगर आप लिख रहे हैं, टिक मार रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि एक्सप्लोसिव वैन का जो हाइएस्ट गति होता है, एक्चुअली वो जो गति है, ठीक है, वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक्सप्लोसिव वैन 25 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से ही मैक्सिमम स्पीड में वो भाग सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFDS का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिप्रेशन सिस्टम, ऑटो फ्यूल डिप्रेशन सिस्टम, या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AFDSS का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। ये एक्चुअली जो 50 टन के ऊपर के डंपर होते हैं उसमें ऑटोमेटिक आग बुझाने की व्यवस्था होती है। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए आग लग गया किसी भी पोर्शन में, ABC करके चैम्बर को डिवाइड किया जाता है, तो उस चैम्बर में अगर पर्टिकुलरली आग लग जाए तो जैसे मॉल में होता है छोटा छोटा नोजल लगा हुआ रहता है उसके ऊपर में फॉल सीलिंग करते हैं, ठीक है, इसी तरह से इसमें भी रहता है, वो नोजल सारा का सारा ओपन हो जाता है और उसमें जो फायर डिप्रेसेंट है ना, फायर फाइटिंग फायर एक्सटिंग्विशर का जो केमिकल होता है, ठीक है, वो वहाँ से बाहर आता है, तो वो आग को पकड़ लेता है, आग को बुझा देता है। उसमें इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आग को वो पकड़ लेता है, काबू कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFDSS इनमें से किस कैपेसिटी के या उससे ऊपर के डंपर में लगाया जाता है, 35 टन, 50 टन, 100 टन या 150 टन। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ये चीज़ बताया, तो आप पाउज करके कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है। मैं वो कमेंट देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ध्यान से वीडियो देखते हैं। तो AFDSS यानी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम में 50 टन से ऊपर कैपेसिटी का जितने भी डंपर होते हैं उसमें आग बुझाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपर में कुल कितने ब्रेक इस्तेमाल किए जाते हैं, 1, 2, 4 या 5? तो डंपर वाला जो ओपन कास्ट मशीनरी है उसमें जब पढ़िएगा तो 5 ब्रेक एक्चुअली में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो इमरजेंसी ब्रेक होता है और 4 ब्रेक के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सर्विस ब्रेक के बारे में पूछा गया है कि सर्विस ब्रेक का डंपर में क्या काम होता है, चलते डंपर को रोकने के लिए, रुके हुए डंपर को स्टेबल करने के लिए, ढालू रास्ते पर उतरते समय डंपर की गति को घटाने के लिए या कंट्रोल में रखने के लिए, या फिर माल डंप करते समय डंपर को स्टेबल रखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चलते डंपर को रोकने के लिए। इस कंडीशन में हम लोग सर्विस ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, और आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा डंपर में जो ब्रेक को इस्तेमाल किया जाता है वो सर्विस ब्रेक ही होता है जब रनिंग कंडीशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंग ब्रेक का डंपर में क्या काम है, चलते डंपर को रोकने के लिए, ये तो होगा नहीं आपको भी बताया, रुके हुए डंपर को स्टेबल करने के लिए, इसके बाद है कि ढालू रास्ते पर उतरते डंपर की गति घटाने के लिए, या माल डंप करते समय डंपर की कोस्टेबल रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि पार्किंग ब्रेक है, पार्किंग ब्रेक का काम होता है जब आप कार पार्क करते हैं तो पार्किंग ब्रेक लगा के करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी डंपर का वही काम है, डंपर स्टेबल रहे, ठीक है, उस कंडीशन में करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटार्डेड ब्रेक का डंपर में क्या काम है, चलते डंपर को रोकना, या फिर रुका हुआ डंपर को स्टेबल करके रखना, या फिर ढालू रास्ते पर उतरते डंपर की गति को घटाने से घटाना, ठीक है, जब ढालू रास्ता इंक्लाइन रास्ता पर उतरता है तो डंपर का स्पीड को कंट्रोल रखना,
या फिर माल डंप करते टाइम डंपर हिले नहीं, उसको स्टेबल करके रखे। तो इसका बेसिक काम होता है रिटार्डेड है, मतलब ढालू रास्ता में जब उतरते हैं हम लोग, ठीक है, इंक्लाइन वाला रास्ता में उतरते हैं, तो डंपर का स्पीड अचानक से बढ़ ना जाए, क्योंकि आगे हो सकता है गाड़ी हो घोड़ा, और डंपर का तो अच्छा खासा वजन है, तो उसको कुचल के ना निकल जाए। उस कंडीशन में इस ब्रेक को लगाते हैं। ये ब्रेक लगाने के बाद डंपर एकदम स्टेबली जैसे नॉर्मल सतह में चलता वैसे यहाँ भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंप ब्रेक का डंपर में क्या काम है? तो इस ऑब्वियस ही बात है, माल डंप करते समय डंपर को स्टेबल रखते हैं, स्थिर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि जब माल डंप करते हैं तो डंपर बहुत ज़्यादा हिलता है, कहीं भी वजन पड़ता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में डंपर अनस्टेबल ना हो जाए, है ना, आगे पीछे ना हो, ठीक है, तो वो सब कंडीशन से बचने के लिए उसको स्टेबल रखते हैं। इसके में एक ब्रेक का जिक्र नहीं है, इमरजेंसी ब्रेक, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इमरजेंसी ब्रेक के बारे में इसमें लिखा हुआ नहीं है, इमरजेंसी ब्रेक के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी ब्रेक होता है कि मान लीजिए आप मस्त डंपर चलाते हुए चल रहे हैं, उस कंडीशन में अचानक क्या आपके सामने कोई आ जाए, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे सर्विस ब्रेक वगैरह नहीं लगा सकते, तो आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देंगे। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से होता क्या है कि जो चक्का होता है ऑटोमेटिकली जाम हो जाता है, लेकिन आप सोचिएगा कि अगर चक्का जाम हो जाएगा तो आदमी जो है बैठा हुआ सीट में वो फेंका जाएगा, वहाँ से शीशा उसा तोड़ के बाहर निकल जाएगा, वो सब फिल्मों में होता है। एक्चुअली अगर आप ऑडी गाड़ी चलाइएगा और स्विफ्ट गाड़ी चलाइएगा तो स्विफ्ट में थोड़ा वाइब्रेशन ज़्यादा होता है चार्किंग में, लेकिन ऑडी में वही वाला खटारा रोड पे भी आप चलिएगा तो आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उसमें सस्पेंशन सिस्टम होता है जो कंट्रोल करके रख लेता है पूरा का पूरा, जो वाइब्रेशन है उसको एग्जॉस्ट कर लेता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो डंपर में भी यही सिस्टम होता है, आप अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाते भी आप डंपर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा, झटका फील नहीं होगा, क्योंकि उसका सस्पेंशन वो संभाल लेगा झटका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउड एंड रिटेक्ट इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो एक्चुअली ये जो है डंपर से, रॉप सॉवेल से, हाइड्रोलिक सॉवेल से या फिर पेलोडर से, इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉप सॉवेल से, ठीक है। एक और भी चीज टर्म होता है, याद रखिएगा, एक क्राउड फोर्स भी होता है, क्राउड फोर्स ड्रैगलाइन से संबंधित है, इसमें रॉप सॉवेल से संबंधित नहीं है, है ना। क्राउड एंड रिट्रैक्ट अगर साथ में लिखा जाए तो इसका मतलब है कि वो रॉप सॉवेल से संबंधित है, रॉप सॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइंस में ट्रेलिंग केबल की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि व्हील बकेट एक्सकोवेटर हमको उपयोग करना है, ड्रैगलाइन उपयोग करना है, ये वाला सामान लगाना है, ये वाला कुछ नहीं बोला, सिर्फ बोला है भैया ओपन कास्ट माइंस में ट्रेलिंग केबल का लंबाई कितना होगा। ऑप्शन है 90 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 100 मीटर, तो आप इसमें 300 मीटर से जाएंगे, ठीक है। ट्रेलिंग केबल का लंबाई ओपन कास्ट माइंस में 300 मीटर ही रखा जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे व्हील बकेट एक्सकोवेटर, बकेट व्हील एक्सकोवेटर भी बोलते हैं उसको, अगर वो उपयोग करना है तो 1000 मीटर तक आप ट्रेलिंग केबल रख सकते हैं, DGMS परमिशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, देखिए ओपन कास्ट माइंस में अगर BWE यानी बकेट व्हील एक्सकोवेटर उपयोग में लाया जाता है तो ट्रेलिंग केबल का लंबाई कितना होगा? 100 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, 1000 मीटर, ठीक है, तो 1000 मीटर होगा, ठीक है, 300 मीटर होगा उस कंडीशन में जब हम लोग व्हील बकेट एक्सकोवेटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, 250 मीटर होगा उस कंडीशन में जब हम लोग वहाँ अंडरग्राउंड माइंस में SDL का यूज़ कर रहे हैं, और 100 मीटर या 90 मीटर नॉर्मली होता है ट्रेलिंग केबल अंडरग्राउंड माइंस में यूज़, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइंस में लाइटनिंग के लिए अधिकतम वोल्टेज कितना इस्तेमाल किया जाता है? 250 वोल्ट, 125 वोल्ट, 30 वोल्ट या 440 वोल्ट? तो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन पे आंसर बताइएगा। इसका मैं अगले वीडियो में, अब जब अपलोड करूँगा अगला वीडियो, ऑब्वियसली बात है कल ही मैं अपलोड कर दूँगा, दिवाली बाद में है, पहले आप लोग का वीडियो है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि ओपन कास्ट में लाइटिंग के लिए कितना वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड का भी बता दीजिएगा आप, अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज का इस्तेमाल किया जा सकता है? 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, 11000 वोल्ट, 6600 वोल्ट? देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं, ओपन कास्ट माइंस में 11000 वोल्टेज का तार आप खींच सकते हैं, 11000 वोल्ट का आप सप्लाई ले सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनों बड़ा मशीन यूज़ कर रहे हो, उस जगह भी आपको 6600 वोल्ट यानी कि 6.6 kV से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं ओपन कास्ट माइंस में, ये कानून है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम वोल्टेज 6.6 kV या 6600 वोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खींचने का बात आएगा कि भैया कितना वोल्टेज आप ले सकते हैं ओपन कास्ट माइंस में, तो वो है 11000 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट माइंस में डीजल से चलने वाला मशीनरी को रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है? तो देखिए जी, जो हमारे कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन हैं श्री प्रमोद अग्रवाल, और जो हमारे
कोयला के मुख्यमंत्री है, कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, इन दोनों का सतत प्रयास है कि भारत में जितना भी ओपन कास्ट माइंस है कोल इंडिया लिमिटेड का, उन सभी माइंस से जितने डीजल से चलने वाले मशीनरीज हो उसको हटा दिया जाए और उसकी जगह पे एलएनजी, ठीक है याद रखिएगा एलएनजी, जस्ट ए सेकेंड लिखा नहीं रहा, एलएनजी, एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जी हाँ, मैं सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, मैं एलएनजी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि हाई पावर हाई टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो डीजल का इस्तेमाल में रोक लग जाएगा। इसका कारण क्या होगा? कार्बन इमिशन, ज़्यादा खर्चा लगता है भैया डीजल में, अधिक धुआं का निकलना है या ज़्यादा शोर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है। क्योंकि डीजल जब चलाते हैं हम लोग तो उससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता होगा भारत में चौथा नंबर पर है कार्बन उत्सर्जन में, और इसको कमी लाना है क्योंकि इस पर जो ग्लोबल लेवल के मीटिंग्स होते हैं उसमें भारत को कार्बन इमिशन को लेके कई प्रोजेक्ट के बारे में बोला जाता है कि स्टार्ट कीजिए वगैरह वगैरह। तो उसी को लेके जो प्रधानमंत्री हैं और कोयला मंत्री हैं उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि कार्बन इमिशन को ख़त्म करने के लिए जितने भी माइंस हैं इन सभी में ट्रायल चलाया जाए एलएनजी का। अगर एलएनजी सक्सेसफुल रहता है तो डीजल के जगह पे एलएनजी का सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और फिर उसी से काम चलेगा, मतलब एलएनजी का प्रयोग होगा। हो सकता है डीजल चोरी रुक जाए, ज़्यादा कॉस्ट तो मैटर ही नहीं रखता है क्योंकि भैया कोल इंडिया के पास अच्छा खासा पैसा है, अधिक धुआं तो टेंशन ही नहीं है, है ना, ज़्यादा शोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मशीनरी बेंच के ऊपर खड़े होके उसी बेंच का मिट्टी को काटकर उठाकर लोड करता है, ठीक है, फ्रंट हो बैक हो, व्हील बकेट एक्सकोवेटर या पे लोडर, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैक हो, ठीक है। बैक हो क्या करता है, जैसे आप एक चम्मच लीजिए, उस चम्मच से आप अगर जब सूप पीते हैं तो वो सीधा रहता है, तो वो हो गया फ्रंट हो। फ्रंट हो मतलब चम्मच जैसा उठाते हैं आप कुछ भी, तो उसी तरह से आप बैक हो का मतलब हो गया वही चम्मच को आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो बैक हो एक्चुअली यहाँ पे खड़ा होकर नीचे का कोयला को काटने का इस्तेमाल करता है, इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग बैक हो का इस्तेमाल करते हैं, वाटर गार्लैंड वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, वाटर गार्लैंड या सम काटने के लिए इनमें से कौन सा मशीन सबसे अच्छा रहेगा, फ्रंट हो बैक हो रॉप सबेल ड्रैग लाइन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बैक हो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको काटने वाटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना। अगर मशीनरी वाला वीडियो नहीं देखे हमारा तो खोज के देख लीजिएगा, अपन कास्ट मशीनरी पे एक वीडियो बनाया है जिसमें अच्छे से सारा मशीनरी का फोटो डाले हैं, तो उसको देख के आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंपर के सस्पेंशन सिलेंडर में क्या भरा रहता है, डंपर में जो सिलेंडर रहता है जिसके कारण वो कोयला को डंप करता है, तो उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन, फ्लूइड ऑयल, फ्लूइड ऑयल प्लस नाइट्रोजन या नन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लूइड ऑयल प्लस नाइट्रोजन भरा रहता है। फ्लूइड ऑयल यानी तेल तो भरा ही रहता है, साथ में नाइट्रोजन भरा रहता है। इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन जो है पहला तो हल्का रहता है, ठीक है, 0.97। उसके बाद ये है, ये आग को पकड़ने का काम करता है भैया, आग लगने नहीं देगा, है ना। इसके बाद ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है, ये वजन ले सकता है, है ना, ये अच्छे से काम करेगा अगर इसको नाइट्रोजन और फ्यूल ऑयल को मिक्स कर दे यूनिफॉर्मली। तो इससे जो कैपेसिटी होगा उठाने का कैपेसिटी डंपर का, ठीक है, सस्पेंशन सिलेंडर का कैपेसिटी है, इसमें इम्प्रूवमेंट आता है जिसके कारण हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अरे टाइम भी हो गया बहुत ज़्यादा, एक लास्ट कर लेते क्वेश्चन, BDCH का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉटम डिस्चार्ज कोल होलर, बाय डिफॉल्ट कोल हैंडलर, बिलो डेवलपमेंट कोल हैंडलर या नन ऑफ दिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉटम डिस्चार्ज कोल होलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसको HMM का कैटेगरी में नहीं रखते हैं, HMM का कैटेगरी में ओपन कास्ट माइंस में इसको नहीं माना जाता है भैया ये HMM मशीनरी है, 50 mm से कम डायमीटर होल करने वाला ड्रिल मशीन, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन, बोथ या फिर नन ऑफ दिच। इसमें बहुत से लोग होंगे जो 50 mm से कम डाया वाला ड्रिल मशीन मारेंगे, लेकिन एक्चुअली जो हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन है ओपन कास्ट में यूज़ करते हैं उसको भी हम लोग HMM का कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोथ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारा और भी है, ठीक है, तो आप कंटिन्यू रहिएगा हमारे वीडियोस पे और मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, और भी कुछ कुछ टॉपिक पे मैं देखता हूँ वीडियो बढ़ाता हूँ, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है तो मैं थोड़ा वीडियो बढ़ाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।